उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। धाकड़ फैसलों की वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ मुखिया के रूप में उभर कर आई है और इन दिनों धाकड़ धामी का खनन माफियाओं पर हंटर खूब प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन माफियाओं का बोलबाला है। उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, खनन माफिया अपने अवैध कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं और हर बार सियासत में अवैध उत्खनन का मुद्दा खूब भुनाया जाता है और सरकार बनती है बिगड़ती है, लेकिन अवैध उत्खनन का कारोबार दस से मस नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड की कमान मुखिया पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आते ही खनन माफियाओं के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफियाओं पर चला रही है। तराई पश्चिम डिवीजन के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें पहले तो अवैध उत्खनन के परिवहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई, जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रैशर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टोन क्रैशरों द्वारा बिना रॉयल्टी और अपने स्टोन क्रैशरों पर अवैध रूप से खूब खनिज का स्टॉक कर रहे और उधम सिंह नगर के माफियाओं द्वारा नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। लगातार कार्रवाई आज भी चल रही है, आज भी एक अमर स्टोन पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है तो चंदारिया ने भी पकड़ा जाता है तो उस पर उसमें जिसके पास भी जितना जितना क्या अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने में धाकड़ अधिकारी सफल होते हैं या फिर नहीं, या फिर इस बार फिर सियासत में अवैध उत्खनन का मुद्दा फिर से गर्माता है। रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का।